हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएस क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हमारी टीम आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेकर आ चुकी है जिसका हेडिंग है उर्दू अपनी ज़ुबान, क्लास 8, चैप्टर नंबर 13, खूब आज़ादी और इसका हल। ये एनसीईआरटी क्लास 8 का उर्दू अपनी ज़ुबान का चैप्टर नंबर 13 का सोल्यूशन और उसका हल है। यानी चैप्टर नंबर 13 में जो भी होमवर्क होगा, क्वेश्चन आंसर या लफ्ज़ और माना, फिल इन द ब्लैंक, सब को इसके अंदर हल किया गया है। तो बने रहिए हमारे वीडियो पर, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर लफ्ज़ और माना को दिया गया है। जैसे सबसे फर्स्ट लफ्ज़ है कूज़ा, इसका माना है मिट्टी का प्याला या कुल्हड़ कहिए, दोनों माना में से कोई एक। अगला लफ्ज़ है कूज़ागर, इसका माना है कूज़ा बनाने वाला, कुम्हार जिसको कहा जाता है। फर्जंद, इसका माना है सज़ा के लायक। यकबैक, इसका माना है अचानक यकायक। अगला लफ्ज़ है हकीर, इसका माना है कमतर। अगला लफ्ज़ है असीर, इसका माना है कैदी। एक्सरसाइज का अगला पार्ट है स्टूडेंट्स, सोचिए और बताइए, जिसको आप क्वेश्चन आंसर कहते हैं। सबसे पहले फर्स्ट सवाल है, शायर ने ख्वाब में क्या देखा? इसका जवाब है, शायर ने ख्वाब में देखा कि वो अब आज़ाद है और अपनी मर्ज़ी का मालिक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, शायर के बेखौफ होने की क्या वजह थी? इसका जवाब है, शायर इसलिए बेखौफ था क्योंकि वो ये सोच रहा था कि अब वो आज़ाद है और कानून उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तीसरा सवाल है, खुद ही कूज़ागर वही मज़मून है, इस मिसरे में शायर क्या कहना चाहता है? इसका आसान सा जवाब है, इस मिसरे से शायर की मुराद ये है कि वही कानून बनाने वाला और ख़ुद ही उस पर अमल करने वाला है, यानी वही बर्तन है और वही बर्तन बनाने वाला भी, इसलिए अब उसे खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। यानी बस इसका ख़ुलासा यही है, थोड़ा सा टफ़ लग रहा होगा आपको। इसका ख़ुलासा यही है इस जवाब का कि अगर आप ही कानून दाँ हैं, यानी कानून आप ही जानते हैं, कानून बनाने वाले आप ही हैं, और इसी तरीके से सरकार आप ही की है, तो फिर आपको किसी से डर रहेगा? किसी से डर नहीं रहेगा, यानी आप खौफज़दा नहीं रहेंगे। बस वही बात है कि बर्तन भी वही है, यानी कानून आपका है, कानून बनाने वाले भी आप ही हैं, इसलिए अब आपको किसी से खौफज़दा रहने की ज़रूरत नहीं है, सरकार आपकी है। अब अगला सवाल देखते हैं, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। सवाल नंबर 4 है, शायर ने अपने आप को थानेदार क्यों कहा है? इसका जवाब है, शायर के ख़ुद को थानेदार कहने से ये मुराद है कि आज़ाद होने की वजह से अब वो शहर का हाकिम है और वो ख़ुद ही सरकार है, लिहाजा अब वो सिर्फ नाम का थानवी नहीं बल्कि थानेदार है। ये बात है, सरकार उसी की है सब चीज़। यानी जब वो ये समझ लिया शायर ने नींद में कि हम अब आज़ाद हैं, तो हमें अब किसी से डरने की ज़रूरत नहीं, इसलिए हम ही हाकिम हैं, हम ही थानेदार हैं, सब चीज़ हम ही हैं, ये समझ लिया। क्वेश्चन नंबर 5 है, चोर बाज़ारी और शाह बाज़ारी से किस तरह घर भरा जा सकता है? इसका जवाब है, चोर बाज़ारी के माना है अशिया में मिलावट करना, और शाह बाज़ारी से मुराद चीज़ों की ज़्यादा कीमत वसूल करना है, मसलन 2 गुना या 3 गुना मुनाफे वसूल करना, या फिर घी में चर्बी मिलाना। इस तरह शायर को लगता है कि वो अपना घर भर सकता है। यानी इसका जवाब इस तरीके से समझिए स्टूडेंट्स, कि चोर बाज़ारी से मुराद ये है कि आप सामान के अंदर कोई चीज़ मिला दीजिए और डुप्लीकेट सामान बेचिए, तो उसमें आपको फ़ायदा होगा जिसकी वजह से आपका घर भरेगा। और इसी तरीके से आप 10 रुपये की चीज़ है 30 रुपये में बेचिए, तो इससे भी आपका घर भरेगा। तो शायर को लग रहा है कि अगर ये दो काम किया जाए तो घर भर जाएगा, यानी ख़जाना से भर जाएगा घर। अगला सवाल है, ग्राहक की बर्बादी घर में चर्बी मिलाने से कैसे हो सकती है? इसका जवाब है, चर्बी मिली हुई घी खाकर ग्राहक बीमार पड़ सकता है, इसलिए कि ये चर्बी किसी भी जानवर की हो सकती है, मिलावटी
खाना उसे बीमार डालकर अस्पताल पहुंचा सकता है, यहां तक कि उसकी जान भी ले सकता है। तो इसलिए अगर मिलाकर आप कोई भी सामान बेचते हैं तो उसमें ग्राहक की क्या है, बर्बादी है। सवाल नंबर 7 है, नींद से बेदार होने के बाद शायर अपने आप को किन पाबंदियों में घिरा पाता है। इसका जवाब है, शायर नींद से बेदार होने पर खुद को आज़ादी की पाबंदियों में घिरा पाता है। यानी शायर समझ जाता है स्टूडेंट्स, शायर समझ जाता है कि आज़ादी के भी कुछ तकाजे होते हैं और वो उनसे छुटकारा नहीं पा सकता। यानी शायर को समझ में आ गया स्टूडेंट्स कि आज़ाद रहने के बाद भी कुछ पाबंदी और कुछ कैद में रहना ज़रूरी होता है। एक्सरसाइज है, अगला एक्सरसाइज का पार्ट, मिसरों को मुकम्मल कीजिए। यानी कुछ लफ्ज़ दिया हुआ है, कुछ शेर दिया हुआ है, उसमें से कुछ लफ्ज़ हटा दिया गया, उसको आप मुकम्मल करना है आपको। मुल्क अपना कौम अपनी और सब अपने ग़ुलाम, आज करना है मुझे आज़ादियों का एहतराम। जिस जगह लिखा है मत थूको वहीं थूकूंगा ज़रूर, अब सजावार रे सज़ा होगा न कोई भी कसूर। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना भूल गया, जो भी रेड कलर में लिखा हुआ होगा वो आपका फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा या मिसरों को मुकम्मल करना रहेगा आपका। मेरी सड़कें हैं तो मैं जिस तरह भी चाहूं चलूं, जिस जगह चाहे रुकूं और जिस जगह चाहे मुड़ूं। ये सब आपका जो रेड कलर में, ये भी और ये भी, ये सब जो है आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। क्यों न रिश्वत लूँ के जब हाकिम हूँ मैं सरकार हूँ, थानवी हरगिज़ नहीं हूँ अब मैं थानेदार हूँ। तो इसके अंदर भी रेड कलर में ये क्या है, आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। अगला एक्सरसाइज का पार्ट है, इन लफ्ज़ों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। यानी कुछ लफ्ज़ है उससे सेंटेंस बनाने हैं। एहतराम से एक सेंटेंस बनाया गया है, हमें मस्जिद का एहतराम करना चाहिए। सजावार से भी एक सेंटेंस है, वो जुर्म का सजावार है। रिश्वत से एक सेंटेंस, रिश्वत लेना और देना दोनों कानूनन जुर्म है। अगला लफ्ज़ है चोर बाजारी, हमें चोर बाजारी से बचना चाहिए। यानी चोर बाज़ार में जाकर सामान ख़रीदना नहीं चाहिए, ये कहा गया इस जुमले में। तो हमें तो सेंटेंस बनाना है, ये सेंटेंस है आपका रेड कलर में, हकीर। इससे एक सेंटेंस है, हमें दुनिया में किसी को हकीर नहीं समझना चाहिए। इन लफ्ज़ों के मुतजाद लिखिए, ये एक्सरसाइज का अगला पार्ट है। यानी कुछ लफ्ज़ है उसका उल्टा लफ्ज़ लिखना है आपको। जैसे आज़ादी, इसका उल्टा लफ्ज़ है ग़ुलामी, या आपका ही आज़ादी इसका मुतजाद लफ्ज़ है ग़ुलामी। क़ैद इसका मुतजाद है आज़ादी, आज़ाद। ज़िंदाबाद इसका मुतजाद है मुर्दाबाद। आगे है ग़ुलाम, इसका उल्टा है या मुतजाद है आका। असीर इसका मुतजाद है आज़ाद। बर्बादी इसका मुतजाद है आबाद। स्टूडेंट्स इसी के साथ वीडियो का एंड होता है। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल पर अगले वीडियो के लिए।